नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर कप्ताह में ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत कोटवा ग्राम सभा में गांव की समस्या गांव के समाधान हित ग्राम सभा में लगाया जा रहा चौपाल, जिसके अंतर्गत आज इस ग्राम सभा में चौपाल लगाया गया, जिसमें जिले से लेके ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जो सीधा गांव के लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्या को बखूबी नोट किए ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। प्रधान जी भी उपस्थित हैं और ब्लॉक के और जिले से अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं। बाकायदा यहाँ अभी जनसभा भी रहा, जिसमें जो भी कार्य हुए हैं, जो कार्य अभी अधूरे हैं, उसमें प्रकाश डाला गया। सीधा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस चौपाल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, गांव की समस्या गांव के समाधान के लिए ये सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें गांव की समस्या जैसे पेंशन से होगा, आवास है, यही मुद्दा है गाँव के लिए। कितनी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया सर? जैसे वृद्धा है, विधवा, विकलांग, पेंशन पे प्रकाश डाला गया। आवास से, आवास से संबंधित जिनके पास झोपड़ी है उन्हें का आवास मिलेगा, इस पे प्रकाश डाला गया। जी, कोई जटिल समस्या ग्राम सभा नहीं, कोई जटिल समस्या नहीं है। जी, जनता को बताया गया था, ग्राम सभा के लोगों को बताया गया था कि चौपाल लगने वाला। हाँ, चौपाल के माध्यम से बताया गया था क्या चौपाल लगेगा और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोई ऐसा जटिल समस्या निकल के आया हो जिसका समाधान तुरंत होना चाहिए या कुछ दिन के बाद होना चाहिए? नहीं, समस्या तो विशेष समस्या पेंशन से ही है यहाँ पे, कि उसका निदान यही है कि बहुत लोगों का जो है केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी के बाद जो है उनका समाधान हो जाएगा, पेंशन आता रहेगा। एक समस्या और देखने को मिला सर ग्राम सभा में कि जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके खाते में न जाके किसी दूसरे के खाते में चला जा रहा है, इस समस्या से ग्रामीण काफ़ी जूझ रहे हैं। इस पर किस तरह से इसका निजात पाया गया और इस समस्या को कैसे नोट किया गया? इस समस्या को यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं जी, और उनका जैसे आधार और बैंक पासबुक लेके जो खाता जो है गड़बड़ हो गया, जिले से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग केवाईसी करा के अब सही खाता हो जाएगा, उसमें तो पेंशन आना शुरू हो जाएगा। चौपाल में किसी प्रकार की समस्या नहीं? किसी प्रकार की समस्या नहीं। प्रधान जी? नहीं, प्रधान जी। हाँ, तो आइए प्रधान जी से बात करते हैं और जाने का प्रयास करते हैं प्रधान जी क्या कहें। प्रधान जी, गांव की समस्या गांव में समाधान हेतु सरकार के द्वारा चौपाल लगाए जा रहे हैं, ये चौपाल कितना सराहनीय है? देखिए सर, मेरे ग्राम सभा में बहुत अच्छे ग्रामवासी हैं, लेकिन जो समस्या पेंशन से था और विकलांग पेंशन, आवास के लिए, तो आवास तो फिलहाल झोपड़ी के लिए ही बनेगा, जिसका झोपड़ी रहेगा उस पर सर बात हुआ है। और रही विकलांग पेंशन, चाहे विकलांग में तो तीन ही है मेरे यहाँ लाभार्थी मिला है, उनका पेंशन मिलता है। और वृद्धा पेंशन में सर यही है जो आप अभी अभी कहे हैं कि खाता का समस्या है, एक दूसरे के खाते में चले जा रहा है, तो इसके लिए हम कई बार जिला पे गए हैं, वहाँ से ये मिला कि आप खाता सही करा दीजिए, यानी आधार बैंक पासबुक लाइए, सही हो जाएगा। उसके भी लिए हमने लेकर लिख कर दे दिया है और यही सुधार है समस्या, मतलब जिले से देखा जाता है अक्सर कि प्रधान और कर्मचारियों में तालमेल नहीं बनता है, जिसकी वजह से गांव का विकास जो हो नहीं पाता है पूर्ण रूप से, तो आपका और आपके कर्मचारियों के बीच तालमेल कैसा है? देखिए सर, हमारे कर्मचारी और ब्लॉक के जो भी जितने भी कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे ग्राम का जो भी बात रहता है हम उनसे कहते हैं, मौके से ला के दिखा भी देते हैं और देख के जाके उस समस्या का निदान भी कराते हैं सब, फिलहाल और कोई दिक्कत तो नहीं आती। ये चौपाल जो सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है कितना जनता के लिए लाभदायक है? सर, इसमें यह है कि अपनी समस्या जनता रख लेती है सामने और अधिकारी सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसका निदान करते हैं, इससे यही फायदा है कि जनता का मतलब मनोबल बढ़ता है कि मेरा काम सुना जा रहा है सरकार में। जी, एक समस्या आपके ग्राम सभा में देखा गया कि स्वच्छता नहीं दिख रही है, देखा जाए तो नाली वगैरह जो है साफ सुथरे नहीं दिख रहे हैं, इस समस्या को लेकर भी जनता आपके बीच में प्रस्तुत हुई, अपनी समस्या रखी होगी, इस समस्या को आप कैसे निजात दिलाने वाले हैं? सर देखिए, मेरे यहाँ से 7-8 महीना से बर्खास्त हो गया था सफाई कर्मी, और सफाई कर्मी के न रहने के कारण मैं अपने पास से आदमी लगा के सफाई जितना चाहिए उतना तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि लेबर सफाई के लिए नहीं मिल रहा है, नाली सफाई के लिए, लेकिन फिर भी बुला के और कराते थे, टाली वगैरह से फेंकवा देते थे। अभी आज 4-3 रोज हो गया, सफाई कर्मी का नियुक्ति हो गया है, वो आए हैं और काम कर रहे हैं सुचारू रूप से।
तो गांव की समस्या गांव के समाधान हेतु चौपाल लगाया जा रहा है, जो सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सीधा लोग जो हैं रूबरू अधिकारी से होते हैं और अपनी समस्या बेझिझक रखते हैं ताकि उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और ग्राम सभा का विकास हो, लोगों का विकास हो, तभी जाकर एक स्वर्ण विकास हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश उसी समय शक्तिशाली बन सकता है जब गाँव के लोग मजबूत होंगे, गाँव विकास करेगा तब जाकर हमारा देश विकास करेगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, बात करेंगे। माता जी चौपाल लगल का सुनल गई अधिकारी अधिकारी आई लानी है ना। हाँ, अधिकारी आई लानी है। अच्छा, ठीक बात है, बात वही है ना। कुछ कल चाहते नहीं माई आई है तो बात बात ये सिंह हम अपन जमाने नहीं चाहते कहानी है। हाँ, का कहानी है प्रधान जी? ये हाँ, समस्या बताई नहीं अधिकारी से? हाँ, फिर सिंह हम पर कहो माई समस्या बताई नहीं है। प्रधान जी हमारे घर में कुछ हमको कुछ मिले नहीं कर कुछ नहीं मिला पेंशन मिले ला कुछ नहीं तो कहानी है प्रधान जी मिला कुछ नहीं खेतों पैसा नहीं मिले ला जो सम्मान निधि आवेला नहीं मिला नहीं प्रधान जी से कहानी है अधिकारी आये बानी कहानी है प्रधान जी हमारे। अच्छा चलिए, प्रधान जी की माता जी हैं काहे भाई प्रधान जी अपने माता जी का पेंशन सही करवा दीजिए। चलिए, होता है ना घर का मुखिया जो होता है, चलिए घर का मुखिया जो होता है अपना ही काम नहीं करा पाता है जनता की सेवा में। तो चाचा जी का चौपाल लगा था, क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, का कहें, बढ़िया से सुने। हेलो अधिकारी अधिकारी नहीं, हम तो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे, चलिए ठीक है, ठीक है। ए दादा चौपाल लगा लाल, बात तो भइल है। हाँ भइल है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात। कोनो समस्या? अरे जो समस्या रहल तो कहल गई। अच्छा, अधिकारी नोट कैनी है? हाँ बढ़िया बा, आपके गांव में अधिकारी कर्मचारी आवत ना लोग? हाँ आवल है 8 दिन को। अच्छा, 8 दिन बाद है ना लोग ने? पहले तो पीछे पीछे घूमे पड़ा रहा। हाँ ठीक बा कि गलत बा? नहीं ठीक बा। अच्छा चलिए, का कॉल चाहता नहीं बोला बोला कौन समस्या बा? का अच्छा चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ जो कि ग्राम सभा में ग्राम चौपाल लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं अपनी समस्या को बकायदा बखूबी यहाँ नोट करा रहे हैं और उसे जल्द से जल्द निजात पाने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की योजना जो है सराहनीय है, क्योंकि पहले अधिकारी कर्मचारी के पीछे 8 से 10 दिन दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब अधिकारी कर्मचारी सीधा ग्राम प्रधान जी के संज्ञान में ग्राम सभा के लोगों के बीच में बैठने का काम करते हैं और बाकायदा उस समस्या को नोट करने का काम करते हैं।